सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का पावन अवसर पूरे देश में हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यूपी में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में खिलाए जा रहे हैं रोटी और नमक। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक सरकारी स्कूल में कक्षा पहली से आठवीं तक की पढ़ाई करने वाले लगभग 100 छात्रों का मिड डे मील के तौर पर रोटी और नमक खाते हुए वीडियो सामने आया है। विंग कमांडर अभिनंदन ने IAF प्रमुख धनोआ के साथ भरी MiG-21 फाइटर प्लेन से उड़ान। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-16 मार गिराने वाले भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने आज एक बार फिर MiG-21 में उड़ान भरी। इस बार उन्होंने अकेले नहीं बल्कि वायुसेना प्रमुख BC धनोआ के साथ उड़ान भरी। राम जन्मभूमि विवाद मुस्लिम पक्ष बोले कानून के हिसाब से चलेगा केस। सोमवार को मुस्लिम पक्षकारों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने दलीलें पेश की। उन्होंने हिंदू पक्ष की तरफ से पेश की गई दलीलों को काटते हुए कहा कि मुकदमा कानून अनुसार चलेगा, वेद और स्कंद पुराण के आधार पर नहीं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।